मुजफ्फरपुर में एक और बच्ची में AES की पुष्टि। SKMCH के पीकू वार्ड में चल रहा इलाज, इस सीजन में अब तक 11 मरीज मिले। देवघर रोपवे हादसा, 48 श्रद्धालु 20 घंटे से हवा में लटके, सेना हेलीकॉप्टर से दोबारा रेस्क्यू शुरू, तारों के कारण आ रही दिक्कत। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण, कोलकाता पुलिस ने जमशेदपुर में छापेमारी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। शौर्य दिवस पर रामभोल कुमार वीरता पुरस्कार से सम्मानित, दो साल पहले कश्मीर में दो जैश के आतंकियों को मार गिराया था, भागलपुर के गोपालपुर के हैं रहने वाले। भागलपुर में महिला की गला रेत कर हत्या, रात को मोबाइल पर आया था कॉल, थोड़ी देर में आती हूँ कहकर निकली, सुबह मिली लाश। जननी बाल सुरक्षा योजना से संस्थागत प्रसव में इजाफा, पूर्णिया में 71%, ANC के विरुद्ध 70% संस्थागत व सुरक्षित प्रसव, सबसे ज्यादा बनमनखी में तो सबसे कम बैसा में हुआ। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निर्माण कार्य शुरू, पटना में होगा देश का इकलौता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, 16 अप्रैल से होगी पाइलिंग, 30 करोड़ होंगे खर्च। यूपी स्टाइल में पटना के डाक बंगला को बना दिया श्री राम चौक, श्रद्धालु ने श्री राम चौक का बैनर लगाकर लगाए जय श्री राम के नारे। नालंदा में बस से दो को कुचला, युवक की मौत, रोजा तोड़ने के लिए घर से खाना गैरेज ले जा रहा था तभी वह हादसा, एक अन्य जख्मी। कार्यपालक सहायक का शव मिला, 5 दिनों से थे लापता, सिवान में कुआं से बरामद हुआ शव, हत्या कर फेंकने की आशंका। रोहतास के धनकाड़ा हत्याकांड में दो गिरफ्तार, माफिया गांव से हुई गिरफ्तारी, भूमि विवाद में दिनदहाड़े हुई थी हत्या। गया में फंदे से लड़की मिली मां बेटे की लाश, लाश के पास पड़े थे 500 के फटे नोट, आत्महत्या, हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटे पुलिस। बेगूसराय में खेत से दूसरी बार मिला शिवलिंग, खबर फैलते ही उमड़ पड़ी ग्रामीणों की भीड़, पूजा के साथ गूंजा हर हर महादेव। गोपालगंज में सड़क हादसा, एक की मौत और दो घायल, छपरा से थावे दर्शन के लिए बाइक से आए थे 3 लोग, तेज रफ्तार वाहन ने मारी चक्कर। सिवान में अवैध रेल टिकट के साथ बुकिंग एजेंट अरेस्ट, 8 पर्सनल यूजर ID भी बरामद, युवक ने खुद को बताया बेकसूर, कहा कोई प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया। सिवान में रईस खान डांसर संग ठुंग पे लगाते दिखे, कहा वीडियो 13-14 साल पुराना है, राजनीति में एक्टिव हो गया इसलिए बदनाम किया जा रहा। औरंगाबाद में ट्रैक्टर की टक्कर से शख्स की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर आटा मिल में घुसी, अंदर काम कर रहे अधेड़ की ठोकर में गई जान। मोतिहारी में किसान की गोली मारकर हत्या, नौकरी की तैयारी के साथ करता था किसान, घटनास्थल से 4 खोखा बरामद। जमुई में बोलेरो ने महिला को मारी टक्कर, सड़क पार करने के दौरान महिला को बोलेरो ने कुचला, मौके पर ही हुई मौत। सिवान में हथियार के साथ 4 युवक गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देख उल्टे पांव भागने लगे तभी पुलिस ने दबोचा। नवादा में गोदाम के अंदर लगी भीषण आग, 10 से 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक, आगजनी से शीशे की तरह फटा मकान। मुजफ्फरपुर में धार्मिक स्थल पर लहराया झंडा, पारू और कथैया में भारी तनाव, पुलिस ने उतरवाया झंडा। बुछा में भूमिहार बिगाड़ेंगे गणित, कोर वोट बैंक को बचाने के लिए BJP ने 2 फायर ब्रांड नेता को मैदान में उतारा। मुतिहारी में दहेज के लिए महिला की हत्या, पैसे को लेकर प्रताड़ित करता था पति, साथियों के साथ मिलकर चाकू गोद कर मार डाला। जेल के AIG के ठिकानों पर विजिलेंस के लिए पटना स्थित आवास और ऑफिस पर किया गया सील, काली कमाई के मिले सबूत, छापेमारी जारी। मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा से सिकंदरपुर चौक तक रहेगा वन वे, JLNS सिकंदरपुर में PCCP डिस्पैच का चलेगा कार, 10 बजे से बदला रूट। सासाराम में 2 बोतल शराब का दाम 1400, होम डिलीवरी करने आए तस्कर का वीडियो वायरल, बोला पुलिस संरक्षण में हो रहा सब। स्वास्थ्य परीक्षक भर्ती 2022 245 पदों पर है रिक्तियां, 11 अप्रैल से योग्य उम्मीदवार भर सकते हैं आवेदन, DIG बांका ने दी सूचना। बेऊर जेल के 4 कक्षपाल निलंबित, 1 सिपाही बर्खास्त, जेल प्रशासन ने की कार्रवाई, अनंत सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। नवादा में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, रामनवमी की पूजा के बाद घर से निकला था, पिकअप की चपेट में आने से गई जान। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।